पुत्रा दरमियान राजगद्दी दी लड़ाई छिड़न बाबत खबर मिली सी। इन्हां हालातां नूं मद्देनजर रखदिआं गुरु साहिब ने दक्खण वल जाण दा इरादा बदल लिया। बहादुर शाह दे मीर मुंशी भाई नंद लाल जी मदद वास्ते गुरु साहिब जी नूं इत्थे आके मिले सन। दसम पातशाह दी याद नूं दर्शाउंदिआं इह गुरुद्वारा साहिब उसे महल दे इक हिस्से विच सुभायमान है। पुरातन महल दे बचे खुचे हिस्से अज वी मौजूद हन। इस छोटे जिहे कस्बे विच सिख आबादी 9 दे बराबर है। इस गुरुद्वारे दी सेवा संत बाबा लखा सिंह सरहाली वालियां दे सेवक गुरु मर्यादा अनुसार रोजाना कर रहे हन। इत्थों गुरु साहिब जी दिल्ली शहर वाल चले गए। उत्थे पहुंच के गुरु साहिब जी ने जिस स्थान ते डेरे लाए उस जगह हुन गुरुद्वारा दमदमा साहिब सुभायमान है। यह गुरुद्वारा मुगल बादशाह हुमायूं दे मकबरे नेड़े स्थित है। कहा जांदा है कि बहादुर शाह ने इत्थे आके गुरु साहिब पासों तख्त प्राप्ति वास्ते मदद मंगी अते आशीर्वाद प्राप्त कीता सी। दिल्ली विखे ही क्याम दौरान गुरु साहिब ने अपने त्यार बर त्यार सिंघां नाल उत्थों दे एक सिख व्यापारी मोती राम दे बाग विच डेरा लाया सी। हुण इत्थे एक सुंदर गुरुद्वारा मोती बाग सुभायमान है जो कि गुरुद्वारा रकाबगंज तो दक्षिण पश्चिम वाले पासे रिंग रोड पर 5 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थानक सिख संगता दी बेंती नू परवान कर दिया होया आप जी ने माता सुंदरी जी नू दिल्ली विखे ही टिके रहन दा हुकम कीता सी। 8 जून सन 1707 ईस्वी नू औरंगजेब दे दो पुत्रां शहजादा मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह अते शहजादा आजम दियां फौजां दरमियान राज सिंघासन दी प्राप्ति लई आगरे अते तौलपुर नगरां विचकार स्थित जजाऊ दी सरां दे इस पिंड दे नेड़े एक भयंकर युद्ध होया। इस विच दोहां धिरां दा भयानक खून खराबा होया। युद्ध विच शहजादा आजम मारिया गया अते शहजादा मुअज्जम उर्फ बहादुर शाह जेतू रहा। बहादुर शाह दी जित दी खबर सुन के गुरु साहिब दिल्ली तो आगरे वल चल पए। आगरे वल जांदियां रस्ते विच गुरु साहिब जी ने वृंदावन अते मथुरा विखे यमुना नदी दे कंडे डेरे लाए सन। हुण इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी याद विच कोई गुरुद्वारा साहिब मौजूद नहीं है। मथुरा तो चल के गुरु साहिब आगरे पहुंचे। जदों बादशाह बहादुर शाह नूं गुरु साहिब जी दी आमद बाबत पता लगा उदों उसने अपने एक उच्च दर्जे दे वजीर खाने खाना मुनीम खान राही गुरु साहिब नाल मुलाकात करन दा सद्दा पत्र भेजिया। गुरु साहिब ने शाही सद्दा पत्र प्रवान करदिआं बादशाह नाल मुलाकात कीती। मुलाकात वाले दिन गुरु साहिब शाही ठाठ बाठ नाल घोड़े ते सवार होके बादशाह दे कोल पहुंचे। बहादुर शाह गुरु साहिब नूं किले दे दरवाजे ते जी आयां कहण आया। दरबार विच दाखल होण समय सब दरबारियां ने उठ के गुरु जी दा अदब सत्कार कीता। बादशाह बहादुर शाह ने गुरु जी दा सन्मान करदिआं उन्हां नूं दुख दुखी सराय पर्दा खेमा अते नगारा भेट कीता। इह वस्तां सुतंत्र राज दीआं निशानियां मन्नियां जांदियां हन। आगरे विच ही गुरु साहिब अते बहादुर शाह दरमियान गलबात दे कई दौर चले। गुरु साहिब अपने परिवार अते सिखां उपर बिना वजह अत्याचार अते जुलम करन वाले व्यक्तियां नूं उन्हां दे हवाले करन दी मंग कर रहे सन पर बादशाह उन्हां दी इस मंग ते टालम टोल ही करदा रहा। बादशाह दी टिलमट नीति दी परवाह ना करदिआं होइआं गुरु साहिब ने फिर भी गलबात दा राह खुला रखिआ। आगरे विखे क्याम दौरान गुरु साहिब जी जिस बाग विच ठहरे सन उन्हां दी याद नूं दर्शाउंदा आगरे शहर तों बाहर सिकंदरा नेड़े सड़क किनारे एक सुंदर गुरुद्वारा साहिब सुभायमान है। आगरे विखे ही यमुना दरिया दे कंढे उपर गुरुद्वारा हाथी घाट साहिब सुभायमान है। स्थानक रवायत अनुसार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने सरकारी अहलकारां दी बेनती नूं प्रवान करदिआं होइआं यमुना दरिया विच्चों एक हाथी नूं मगरमच्छ दे मूंह विच्चों छुड़वा के बाहर कढ़िआ सी। बादशाह नाल गलबात दा दौर जारी रखदिआं गुरु साहिब बरहानपुर पहुंचे। इस शहर दा जिक्र भाई गुरदास जी दियां वारां विच वी मिलदा है। तपी दरिया दे कंढे उपर स्थित
मध्य प्रदेश दे खंडवा जिले दा ए एक पुरातन शहर है। इथे पधारन ते स्थानक सिखा ने गुरु साहिब जी दा निग्गा स्वागत कीता अते उन्ना दी रिहाइश दा प्रबंध भी कीता। इस जगह गुरु साहिब जी दी याद विच एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहिब बड़ी संगत पातशाही दसवीं सुवायमान है। बरहानपुर विच सिखां दी आबादी भावे कुछ क सैकड़िया विच ही है, पर इस गुरुद्वारे दी सेवा स्थानक सिख संगतां द्वारा गुरु मर्यादा अते श्रद्धा भावना नाल कीती जा रही है। गुरुद्वारा साहिब विखे दसम पातशाह दे कर कमला दे निशान वाली श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हाथ लिखित पावन बीड़ भी सुरक्षित रखी हुई है। बुरहानपुर दे नजदीक गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नाल संबंधित गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहिब पातशाही दसवीं जय सिंह पुरा जैनाबाद सुशोभित है। गुरु साहिब ने ताप्ती नदी पार करके अपने सिंघा सहित इस रमणीक स्थान पर डेरे लाए सन। बुरहानपुर दी सिख संगत इस गुरुद्वारा साहिब दी सेवा संभाल बड़ी श्रद्धा अते गुरु मर्यादा अनुसार कर रही है। बुरहानपुर तो गुरु साहिब जी ने नर्मदा दरिया दियां सुंदर घाटियां विचों गुजरदियां अते कुदरत दे रमणीक नजारियां नूं माणदियां गोदावरी नदी दे कंडे ते वसे नांदेड़ शहर विखे पहुंचन तो पहला बसमत नां दे एक पिंड विखे डेरे लाए। एह जगह शांत सुंदर अते सोहने फुल बूटियां नाल भरपूर सी। जिस स्थान ते गुरु साहिब ने डेरे लाए सन उत्थे हुन गुरुद्वारा दमदमा साहिब दी नवी इमारत कार सेवा राही तैयार हो रही है। इत्थे गुरु साहिब जी तकरीबन एक हफ्ता ठहरे सन। इत्थों गुरु साहिब गोदावरी नदी दे कंडे ते वसे नगर नांदेड़ चले गए। नांदेड़ शहर किसे वेले हैदराबाद निजाम दी सरदारी हेठ हुंदा सी। हुण ए महाराष्ट्र प्रदेश दा एक उग्गा शहर है। इत्थे पहुंच के गुरु साहिब ने बादशाह नाल दो टुक गलबात करन दा फैसला कीता अते सरहंद दे सूबेदार वजीर खान नू बिना देर कीते अपने हवाले करन नू कहा। बादशाह दी टिलमट नीति करके गुरु साहिब ने गलबात दा दौर खत्म कर दिता। हुण गुरु साहिब वास्ते शमशीर फड़न दा ही इको एक रस्ता बाकी बचिया सी। चूकार अज हमा हीलते दर गुजश्त हलालस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। गुरु साहिब ने बिना देरी कीतिया बादशाह दे शाही कैंप नालों अपना नाता तोड़ लिया। गुरु साहिब जिस जगह डेरे लाए सन उस स्थान ऊपर तखत सचखंड श्री हजूर साहिब अबचल नगर सुभायमान है। यह सिखा दे पांच तख्ता विचों एक है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब इथे रोजाना गुरु दरबार लगा के संगता नु निहाल करया कर दे सन। इस स्थान ते ही गुरु साहिब जी ने ज्योति जोत समाउन तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नु गुरता गद्दी दित्ती सी। नांदेड़ विखे ही गोदावरी नदी दे कंडे ते माधो दास बैरागी नाम दे एक वैष्णो साधु दा मशहूर डेरा सी। उस दे बारे ए आम चर्चा सी कि ओह बहुत रिद्धियां सिद्धियां अते अलौकिक शक्तियां दा मालिक सी अते इना दी वरतों नाल ओ आम आदमियां तो अलावा संतां साधुआं अते फकीरां दी हेठी अते अपमान करके बहुत खुश हुंदा सी। उस दिया अजिहियां कोजियां हरकतां बाबत गुरु साहिब नू दमदमा साहिब दादू द्वारे अते बुरहानपुर विच वी लोकां द्वारा जाणू करवाया गया सी। गुरु गोबिंद सिंह साहिब एक सवेर माधो दास दे डेरे ते जा पुजे। उस वेले माधो दास आश्रम विच मौजूद नहीं सी। गुरु साहिब उस दे उडीक विच उस दे पलंग ते जा विराजे। इस वर्तारे नाल माधो दास दे डेरे विच कोहराम मच गया अते कुछ बैरागी चेलियां ने माधो दास नू इस घटना बारे जाके सूचित कीता। ओह उस वक्त गोदावरी नदी विच इशनान कर रहा सी। गुस्से विच लाल पीला होया माधो दास अपने डेरे विच आया अते पुरानी आदत अनुसार अपनियां रिद्धियां सिद्धियां अते मंत्रा नाल पलंग नू उल्टाउन दा यतन कीता, पर उस दे अजेहे हीले वसीले नाकाम सिद्ध होए। गुरु गोबिंद सिंह जी दे तेज प्रताप दे सामने उस दियां अखां नीवियां हो गईयां। उसने गुरु साहिब अगे सीस चुका के बेंती कीती। मैं हाजर हां हजूर, मैं आपदा बंदा हां। अगों गुरु साहिब ने फरमाया, जे तू बंदा है ता बंदियां वाले काम कर। ए गुरु साहिब जी दी दैवी शक्ति दी ही करामात सी के कट्टड़ अते हंकारी बैरागी बड़ी अधीनगी नाल उन्हां दे चरनी टै पिया अते बिना हील हुज्जत दे सिंह सज्जन लई तैयार हो गया। माधो दास दी बदली होई मानसिक हालत नूं
एक नवे संचे विच टाल देन लई गुरू जी ने उसनों शस्त्रधारी सिंघां वाला बाणा धारण करवा दिता अते खालसाई रहो रीत अनुसार खंडे बाटे दा अमृत छका के सिंह सजा दिता। उसका पहला नाम बदल के बंदा सिंह रखिया जो बाद विच बंदा सिंह बहादुर दे नाम नाल मशहूर होया। बंदा सिंह बहादुर अमृत छक के गुरु साहब जी दे डेरे आ गया। गुरु दरबार विच गुरु साहब पासों सिख इतिहास दियां हिरदे वेदक घटनावां सुन के उसके मन विच एक नवा जोश जागया। वड्डे अते छोटे साहबजादियां दियां शहादतां बारे सुन के उसका खून उबाले खान लग पिया। उसने प्रण किया कि वह अजिहे जुलमी राज नूं उखाड़ के ही दम लेगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर का यह नवा जन्म सी। गुरु साहब जी दे अमृत की शक्ति ने दुनिया छड चुके बेकार जिंदगी जी रहे एक नकारे जे पखंडी अते हंकारे हुए बैरागी साधु नूं दुनिया की तवारीख विच एक लासानी हीरो बना दिता सी। ए खंडे दी पहल दी ही करामात सी के एक बैरागी माधो दास दलेर अते निडर जरनैल बन गया। जेकर ओ खंडे बाटे दी पहल ना शकदा अते सिंह ना सजदा तां ओ होर लखां बैरागियां अते जोगियां वांग इस दुनिया विच गुमनामी दी जिंदगी बसर करके अगली दुनिया वल कूच कर गया हुंदा। गुरु साहब जी ने उसनू खालसा फौज दा जथेदार बना के बहादुर दा खिताब दिता अते पंजाब वल कूच करन दा हुकम कीता। उसनू अपने पास बुला के एक किरपान पत्थे विचो पंज तीर एक नगारा अते एक निशान साहिब बख्शिश कीता। उस दे नाल कुछ सिंह भी रवाना कीते। इस तरह गुरु साहब जी दियां खुशियां अते बख्शिशां प्राप्त करके पंजाब दी सिख संगत दे नाम दे हुक्मनामे लैके बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसे दा जथेदार बन के पंजाब वल कूच कीता। जिसने पंजाब विच जाके सरहंद दी इट नाल इट खड़का के अते जालमां नूं सोध के सतलुज दरिया अते यमुना दरियावां दरमियान स्वतंत्र खालसा राज कायम कर दिता। इस तरह भारत दे इस खित्ते दे लोकां नूं उदों 700 साल दी जालम विदेशी गुलामी तों बाद पहली वार आजादी दी फिजा विच साह लैण दा मौका प्राप्त होया सी। जिस अस्थान ते गुरु साहब अते बाबा बंदा सिंह बहादुर दी मिलनी हुई उथे हुण गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर घाट सुभायमान है। नांदेड विखे गुरु साहब दे जीवन नाल संबंधित कई इतिहासिक प्रसंग अते अस्थान जुड़े हुए हन। ए गुरुद्वारा साहब जिस दे असी दर्शन कर रहे हां गुरुद्वारा हीरा काट साहब है। ए नांदेड तो तकरीबन 9 किलोमीटर दूर गोदावरी दे रमणीक कंडे उपर स्थित है। एक दिन बहादुर शाह ने गुरु साहिब जी नु एक बहुमूल्य हीरा पेट कीता। गुरु साहिब ने ओ हीरा उसे वेले गोदावरी नदी विच सुट दिता। इस ते बादशाह ने हैरानी प्रकट कीती। जदो गुरु साहिब दे कहन ते बादशाह ने दरिया विच झाती मारी ता उसनु हीरिया दे ढेरां दे ढेर नजर आए। बादशाह शर्मिंदा हो के गुरु साहिब जी दे चरनी टह पिया। इसे तरह तख्त साहिब तो 2 फरलांगा दूर यह गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब सुभायमान है। स्थानक रवायत अनुसार इथों दे एक वणजारे सिख ने गुरु साहिब नू एक महंगा नगीना भेंट कीता। गुरु साहिब ने ओह दरिया विच सुट दिता। उस सिख नू गुरु साहिब जी ने गोदावरी नदी विच रुड़े जांदे उस नगीने तो भी कीमती नगीनिया दे दर्शन करवाए। नांदेड साहिब दे ब्रह्मपुरी मोहल्ले विच गोदावरी नदी दे कंडे गुरुद्वारा संगत साहिब अते गुरुद्वारा मालटेकड़ी साहिब सुभायमान है। रवायत अनुसार मालटेकड़ी तो लब्बे खजाने नू गुरु साहिब जी ने इस जगह फौजा नू टालां विच भर के वंडिया सी। एह टाल अज भी संगतां दे दर्शन लई गुरुद्वारा साहिब विखे सुभायमान है। तखत श्री हजूर साहिब तो 1.5 कु फरलांग दूर ए सुंदर गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब दरिया दे कंडे ते सुभायमान है। स्थानक रवायत अनुसार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने इत्थे एक सहे दा शिकार कीता सी। तीर लगदिया ही सहया गुरु नानक साहिब दे एक सिख मूले खत्री दे रूप विच तन गुरु नानक जपदा बेकुंठ धाम जा बिराजिया सी।
गुरुद्वारा हीरा काट साहिब तो तकरीबन अद्धा किलोमीटर दूर गुरुद्वारा माता साहिब कौर सुबाईमान है। स्थानक रिवायत अनुसार माता जी संगता वास्ते इत्थे लंगर लगाया करदे सन। तखत सचखंड साहिब दे नजदीक ही गुंगा माई भाग कौर जी सुबाईमान है। इत्थे बैठ के माता जी नाम बाणी दा अभ्यास करया करदे सन। तखत श्री हजूर साहिब दे पावन स्थान दे नजदीक ए गुरुद्वारा साहिब अंगीठा भाई दया सिंह जी अते भाई धर्म सिंह जी नाल संबंधित है। सीस भेट करके अमृत पान करन वाले सब तो पहले पंजा प्यारियां विच शामिल इना दोवां सूरबीरां दा अकाल चलाना इत्थे ही होया सी। नंदेड़ विखे क्याम दौरान ही गुरु साहिब उपर दो पठाना ने खंजर नाल हमला करके उन्हां नूं सख्त फटड़ कर दिता। गुरु साहिब जी का जख्म जिराहां द्वारा तुरंत सीता गया अते मलम पट्टी कीती गई। कुछ दिनां विच ही जख्म ठीक होना शुरू हो गया। पर एक दिन जदों गुरु साहिब जी ने सख्त कमान नूं नप के जोर नाल चिल्ला चढ़ाया उदों सीते हुए जख्मां विच्चों खून वह पिया, जिस नाल गुरु साहिब जी की तबीयत होर विगड़ गई। हुण गुरु साहिब जी नूं प्रतीत हो गया कि उन्हां दी सचखंड वापसी दा समां नेड़े आ गया है। तां उन्हां ने एक दिन विशेष दीवान दे मौके हाजर सिख संगत विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सदीवी गुरु थापन अते शख्शी गुरु प्रथा नूं खत्म करन दा ऐलान कीता। आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे मथा टेकिया अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी सौंप दित्ती। आप जी ने सिखां नूं हुक्म कीता कि अगे तो ओह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो इलावा किसे देहधारी व्यक्ति नूं गुरु नहीं मन्नणगे। अज तो गुरु दी आत्मा गुरु ग्रंथ साहिब विच अते शरीर पंथ विच होवेगा। गुरु साहिब ने सिखां नूं हुक्म कीता, आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इस तरह अगले दिन आप जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी सौंप के अते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बुला के ज्योति जोत समा गए। सूरज किरण मिले जल का जल बाहर हम काहे आवेंगे, बाहर हम काहे